गाइस, ये क्वेश्चन के बाद ना अपन एक ब्रेक लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन अपन सी का करेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर पाइथन स्टार्ट करेंगे। तो खाना वाना भी खा लूँ थोड़ा सा, एक 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, चलेगा ना? श्योर। ठीक है। तो राइट अ सी प्रोग्राम, तो सॉर्ट करना है बेसिकली हमको अरे को, तो लेट्स डू दैट। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? कैलकुलेट लेंथ ऑफ अरे, कौन बताएगा? अभी अभी सीखा है लास्ट कॉल पे, जल्दी बोलो आगे बढ़ना है। हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द अरे? size of A, size of R divided by size of R index 0, साइज ऑफ अरे डिवाइड बाय, क्या लिखूं यहाँ, क्या जाएगा? अरे इंडेक्स 0। परफेक्ट। ठीक है, ओके परफेक्ट। पहले ट्राई करते हैं इस प्रोग्राम को, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। ओके कूल, इट्स वर्किंग। ओके लेट्स सी, ही वांट्स टू गो। योगिता, यू वांट टू ट्राई? सो दिस इज बेसिकली सॉर्टिंग द अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। इफ यू वांट टू टेक अ मिनट टू रीड थ्रू द प्रोग्राम एंड देन एक्सप्लेन। ठीक है, Wow, your reasoning is very fast. रीजनिंग Means, अरे ये जो
अल्गोरिदम जो लगाया ना दिमाग, हाँ उसको उसके लिए प्रैक्टिस हैंग किया ना थिंकिंग मैंने, प्रोसेस इसलिए वेरी फास्ट। प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अच्छा ये रिवीजन है मेरा, सो आई एम नॉट डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है चलो, सज्जन यू गो। ओके, फर्स्ट वी हैव असाइंड एरे, फिर एक टेम्प फाइल क्रिएट करके रखा है, टेम्प वैल्यू, देन लेंथ ऑफ एरे फाइंड किया। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ईच एंड एवरी ए ऑफ 0 1 से कंपेयर करना, फिर 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 यहां से पहले को बताओ 4 से, यहाँ क्या कर ऐसा। रहे हैं, लेट्स गो लाइन बाय लाइन। ओके, हमने फोर फॉर लूप क्रिएट किया फॉर आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन लेंथ ऑफ एरे, उसे आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट किया। ठीक फिर है। फॉर ईच एंड एवरी फॉर लूप हमने जे जे लूप इंसर्ट किया है, फॉर लूप किया है जिसमें जे एज एन इंट जे यूज किया है, जिसे हमने आई प्लस 1 लिया है, क्यों और उसे लिखा सेम है? लेंथ ऑफ एरे, क्योंकि वो कंपेयर करेगा ना 0 को 1 से कंपेयर करेगा, 1 को 2 से करेगा, +1 से कंपेयर कर रहा है ना उसके पोजीशन से, इंडेक्स वैल्यू। करेक्ट, तो एक आगे बढ़ा रहे हैं ताकि पीछे वाले से कंपेयर हाँ कर सके, हर हाँ बार फिर ये अगर एक आगे अगर बढ़ जाएगा, हाँ यानी ये 0 होगा तो ये 1 होगा, फिर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, तो इस तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं 0 को 1 से, फिर दूसरे इटरेशन में हम कंपेयर करेंगे 2 को 1 से, लेकिन ये पूरा लूप कंप्लीट होने के बाद ये तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, तो यानी पहले हम पहले वाले आइटम को सारे आइटम से कंपेयर करते रहेंगे, जैसे ही हमको मिल जाता है बड़ा वैसे ही हम स्वाप मार देंगे, या कैरी ऑन सॉरी। ओके, सो हमने ईच एंड एवरी टाइम इंडेक्सेस को कंपेयर कर रहे हैं हम उसके वैल्यूज को। ओके, अगर वो उसका सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से बड़ा है तो स्वैप कर देंगे, और सेम थिंग विल कीप ऑन कंटिन्यू। फिर लास्ट में हमने पूरे एरे को प्रिंट कर दिया, अपडेटेड एरे को प्रिंट किया। ठीक है सही। ओके एक और करना है बिफोर वी, छोटा ही लग रहा है ये करते हैं उसके बाद ब्रेक लेते हैं, ठीक है। प्री प्रोसेसर तो प्री प्रोसेस हम कर चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलरेडी कर चुके हैं प्री प्रोसेसर, लेट्स मूव ऑन, रिपीट हुआ है क्वेश्चन ही। क्या है प्री प्रोसेसर, मुझे थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे प्लीज? सो प्री प्रोसेसर बेसिकली इज अ सी प्री प्रोसेसर विच अलाउज यू टू परफॉर्म मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल एक्शंस, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल्स, मैक्रो एक्सपेंशन, तो ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली एक मिनट मैं खोल लूँ वाला, तो मैं कैन एक्सप्लेन टू यू इन प्रॉपर वे। इसी के नीचे बता देता हूँ, सी प्री प्रोसेसर, अ मैक्रो प्री प्रोसेसर दैट प्रोवाइड्स एबिलिटी फॉर ये सारी चीजें वो करता है, इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल्स, मैक्रो एक्सपेंशन, कंडीशनल कंपाइलेशन, लाइन कंट्रोल। तो जब आप प्रोग्राम कोई भी लिखते हो, जैसे अभी हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है फॉर एग्जांपल, ये सारा लिखा है यहाँ पे, कमेंटिंग की है, इसमें कुछ फंक्शंस हमने यूज किए होंगे, तो डायरेक्ट ये उसको नहीं समझ में आएगा ना, जो हमारा सोर्स कोड होता है वो कंपाइलर के पास जाता है और उसके बाद उसकी प्री प्रोसेसिंग होती है, मतलब अगर यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड की है तो उसको वो एक्सपेंड करेगा, वो लेके आएगा वहां से कोड यहाँ पे डालेगा उसको, ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये कमेंट हमने डाला है तो उसको रिमूव करेगा, फंक्शन अगर यूज किया है तो फंक्शन है कोड पे यहाँ पे लेके आएगा, तो पूरी प्री प्रोसेसिंग करके प्योर कोड में उसको कन्वर्ट करेगा जो कंपाइलर बाद में उसको मतलब कंपाइल कर सके, तो ये काम है बेसिकली प्री प्रोसेसिंग का, यू नो टेक्स योर सोर्स कोड एंड देन इट डज द प्री प्रोसेसिंग बाई ऑल दो स्टेप्स विच आई स्पोक अबाउट, लाइक रिमूवल ऑफ कॉमेंट, एक्सपेंशन ऑफ मैक्रोज, एक्सपेंशन ऑफ इंक्लूड फाइल्स, ये इंक्लूड फाइल्स हैं आपकी, ठीक है, तो यू कैन कंसिडर लाइक अ टेक्स्ट प्रोसेसिंग और सब्सटीट्यूशन टूल विच फिल्टर्स योर कोड बिफोर इट्स कंपाइल्ड, कंपाइलेशन के पहले वाला जो स्टेप होता है वो ये प्री प्रोसेसिंग होती है, तो यही होते हैं प्री प्रोसेसर, ठीक है।
ओके आपने कितना पेपर सॉल्व कर लिया अभी तक मतलब मैंने आई थिंक 3-4 साल का 4 साल का मींस टोटल 8 क्योंकि एवरी ईयर 2 टाइम होता है ना हाँ और रिपीट भी काफी है उसमें और भी पेपर साल के देखे हैं और रिपीट ही हैं ज्यादा पीछे जाके मतलब नहीं इतना टाइम भी नहीं अपने पास है ना तो एक और मुझे लगता है कर लेना चाहिए ये नहीं है एक स्किप करूंगा मैं फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये सब भी रिपीट ही लग रहा है एडिशन टू मैट्रिसेस ये आई थिंक इस तरह के प्रोग्राम बहुत कॉमन है मतलब देयर आर लाइक 90% ऑफ चांस कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे ये अपने पाइथन में भी और सी प्रोग्राम में भी या तो पाइथन में दे देंगे या तो सी प्रोग्रामिंग में दे देंगे आई थिंक हमें ये सॉल्व करना चाहिए ठीक है सो लेट्स ट्राई दैट सेकंड ये हमने एक्चुअली किया हुआ है पहले वी हैव डन इट बिफोर है रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना यहाँ पे आते हैं गेट्स वॉइड गेट्स उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे ना कि एफ गेट्स और गेट्स में क्या फंक्शन डिफरेंस है तो वो सब हम डिस्कस कर सकते हैं तो गेट्स से स्टार्ट करते हैं ये वाला ये कंप्लीट करते हैं उसके बाद विल टेक अ ब्रेक ठीक है ऑल ऑफ दिस सो पहले होता है गेट्स गेट्स फंक्शन दो दो नंबर का है क्वेश्चन रीड्स ए कैरेक्टर अरे इसके पहले कोई और गेट्स था ना सॉरी सॉरी गेट्स था पहले गेट्स तो बाद में आएगा कम ऑन एक लास्ट पॉइंट एक और डाल देते हैं यहाँ पे तो गेट्स नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है प्रेजेंट इन कोनियो डॉट हेजर फाइल इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे रिफ्रेश प्रिंट एफ परसेंटेज सी गेट्स
ओप्स सुन गेट से कोनियो देखो नहीं नहीं दे रहा है क्यों क्योंकि अभी यहाँ पर मैं पढ़ा कि सी लाइब्रेरी में नहीं होता है कोनियो में तो अभी इस एरर से तुम लोग को याद रहेगा कि सी का पार्ट नहीं है इसको कोनियो डॉट एच लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी तभी चलेगा ये सो इंक्लूड कोनियो डॉट एच क्या बोल रहा है क्या गड़बड़ हो रहा है सर्च फाइल और डायरेक्टली इसमें शायद कंपाइलर में नहीं चलेगा ना यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी नहीं होगी किसी का पार्ट नहीं है पर ठीक है मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या होगा कि ये प्रोग्राम जब रन करोगे आई थिंक एम एस डॉस वगैरह में जिसके पास लोकली इंस्टॉल्ड होगा वो ट्राई कर सकता है और अगर जैसे कि जी कमांड जी की प्रेस की तो प्रोग्राम तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा लेकिन अगर एम एस डॉस शेल वगैरह यूज कर रहे हैं तो सिर्फ जी प्रिंट करेगा वो तो अब कोई ये रीड करके समझा दे तो लेट्स गो विद सुमैया और मे बी वन पर्सन कैन गो विद वन पॉइंट और टू 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 पॉइंट्स ईच सुमैया आई विल कैन यू एक्सप्लेन व्हाट गेट्स फंक्शन डज इट्स अ नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन व्हिच इज प्रेजेंटेड इन डॉट एच a header file is it part of this yeah go ahead no, it's not part of the standard library okay it's okay. used by ms dos compilers such as turbo c okay great Mavish, you want to try next it's not the part of the c standard library okay it causes output console until a key is pressed तब जी टाइप किया तो वहीं रुक जाएगा जब तक कि दूसरी की प्रेस नहीं करते हो जनरली क्या होता है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है वो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ठीक है आगे दूसरा पढ़ो इट डज नॉट यूज एनी बफर टू स्टोर इनपुट कैरेक्टर ओके एंटर्ड कैरेक्टर इज इमीडिएटली रिटर्न्ड विदाउट वेटिंग फॉर द एंटर की सज्जन लास्ट पॉइंट Sorry, just I'm busy for 5 minutes. Okay, carry on. Can be used to accept hidden inputs such as passwords, ATM pins, etc. Okay? Gets kar lete hain.
ठीक है let's go with the so Maya so what does gets function do? It reads the character from the standard input and stores them as a string into str until a new line character or end of line is reached. यहाँ पे str variable का नाम है, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो बेसिकली ये क्या करेगा कि रीड करेगा स्ट्रिंग जब तक कि न्यू लाइन कैरेक्टर मतलब अगली लाइन नहीं आ जाती या वो यूजर एंटर कर देता है या एंड ऑफ लाइन रीच नहीं करती तब तक वो रीड करता रहेगा. स्कैन एफ और इसमें क्या डिफरेंस है गेट्स और स्कैन एफ फंक्शन में? Unlike scanf, which only reads a string until a white space is found, with gets you can read an entire line of the string. करेक्ट. तो स्कैन एफ अगर हम यूज कर रहे हैं और डेटा ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा अगर यूजर यहाँ टाइप कर रहा है, अरे यहाँ पे जैसे इमरान टाइप किया, जैसे उसने स्पेस डाला ना यहीं तक रीड करेगा वो स्कैन एफ. लेकिन गेट्स क्या करेगा पूरा रीड करेगा वो वाइट स्पेस के बाद भी जाएगा वो जब तक कि न्यू लाइन या एंड ऑफ लाइन नहीं रीच करती हो. ठीक है महवश लेट्स रीड द लास्ट टू लाइन्स. Why is it unsafe? It's unsafe because it does not check the max limit of input characters. So if the string length entered is more than the size declared, what will it do? It will try to write the characters beyond the memory allocated and override memory allocated to other variables. Correct. So, maan lo, for example, kahan gaya? कंपाइलर. हाँ मान लो हमने यहाँ पे दिया कैर नेम ने 5 दिया, ठीक है, और हमने फिर गेट्स में उसकी वैल्यू ली जो भी उसका तरीका होता लेने का नेम जो भी है, ठीक है, और यूजर ने यहाँ पे एंटर किया और मान लो और भी यहाँ पे अदर कैरेक्टर्स थे लाइक ऑक्यूपेशन. उप्स क्या हो गया इसके पास मान लो 10 था और हमने यहाँ टाइप किया बहुत ज्यादा टाइप कर दिया मतलब पूरा नाम लिख दिया मे भी, ठीक है, तो ये क्या करेगा इट डजंट केयर कि उसका साइज कितना था. नॉर्मल अगर हम स्कैन एफ अगर यूज करते तो साइज चेक करता था वो कि 5 कैरेक्टर ले सकता है, तो वो ये सब नहीं चेक करेगा कि कितना आपने साइज डिक्लेयर किया है, वो पूरा ले लेगा और दूसरे वेरिएबल का भी साइज पे ओवरराइड कर देगा. मेमोरी नहीं बची तो दूसरे वेरिएबल का भी ऑक्यूपाई कर लेगा. मान लो इस पे कुछ स्टोर था ऑलरेडी तो उसको वो लेके ओवरराइड कर देगा और हो सकता है वो भी ना कर सका तो प्रोग्राम पूरा क्रैश हो जाएगा. उसने सेफ नहीं है गेट्स यूज करना. वी शुड यूज स्कैन एफ. ठीक है आई थिंक बस करते हैं अभी के लिए, एक ब्रेक लेते हैं और 8:30 बजे मिलते हैं पाइथन के लिए. ठीक है गाइज तुम लोग कुछ खाना है तब तक खा लो. ओके विद एवरी वन. Yes. Okay, चलो 8:30 बजे मिलते हैं. चलो बाय.